सो गाइज यहाँ पर हमने CW एकेडमी पूरा घूम लिया है, उसके बारे में हर चीज़ जान ली है, खुद खली सर से बात हो गई है इस बारे में, उनके पूरे क्वेश्चन देख लिए हैं। अब इसके अलावा अगर कुछ जानना है तो हमारी वेबसाइट है g8cwe.com, जहाँ पर आप विजिट करके पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। और ये नॉर्मली जलंधर सिटी पंजाब में है, तो आइए विजिट कीजिए। थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन खली सर आप बता देना अपने CW के बारे में। बिल्कुल, हमारी जो CW रेसलिंग एकेडमी है 2015 में ओपन हुई थी, और बहुत सारे बच्चे हैं जो WWE में गए यहाँ से, बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी एक्टिंग करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, और बहुत प्राउड फील होता है कि भाई CWE जिस मकसद से हमने ओपन करी थी वो मकसद हमारा पूरा हुआ है, और बहुत सारे बच्चों ने तरक्की की है CWE में आके। जैसे बहुत सारे लोगों ने मूवी मिली है और WWE में किए है, टीवी शो कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप CWE के बारे जानकारी लेना चाहते तो आप www.g8cwe.com पे आप हमारी जो वेबसाइट है उस पर देख सकते हैं। और बहुत आजकल जो इजीली है, जैसे यूट्यूब चैनल है हमारा CWE, उसको आप सब्सक्राइब करिए। जो भी हम जितनी भी हम एज ए वीडियो बनाते हैं, जो भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं रेसलिंग की, वो सारा हम अपडेट करते हैं, तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए। और जो मेरा पेज है CWE का, उसको आप देख सकते हैं, उस पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरा जो रेसलिंग का जो अपना जो पूरा CWE का जो मेरा दिलीप सिंह के नाम से मेरी फेसबुक है, हमारा हर सैटरडे को लाइव आता है, और ऐसे भी एक्टिविटी कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं, तो आप हमारे जो फेसबुक है उस पर भी आप कमेंट मैसेज कर सकते हैं, तो आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है जो बाहर से आते हैं, आउट ऑफ स्टेट से, एड्रेस की दिक्कतें होती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप गूगल करिए। आप जब गूगल करेंगे CWE रेसलिंग एकेडमी, तो आपको कहीं भी आप हिंदुस्तान के कोने में होंगे, आपको डायरेक्ट ले के आएगा CWE रेसलिंग एकेडमी, जो एकेडमी में जो पंजाब में है जलंधर में। सो दोस्तों, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, और ताकि हम आपको आप तक अच्छे अच्छे वीडियो बना सके, अपना कमेंट दीजिए, और ताकि हम आप तक अच्छे अच्छे वीडियो पहुंचा सके। और आप आए हैं यहाँ पर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं चाहूँगा कि कैसा लगा आपको, मतलब बहुत बढ़िया इन्वॉल्वमेंट है सर के, जितने भी लोग हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग। सर मैंने नॉर्मली बचपन में मैं कार्ड्स खेलता था, उसमें द ग्रेट खली का एक कार्ड होता था, जो जिसके पास जाता था वो जीत जाता था। अच्छा, अच्छा। तो नॉर्मली वो कार्ड हम लोगों को मिलने की उमंग होती थी, पर आपसे मिलने का मौका मिलेगा वो बहुत बड़ी बात है। और मिलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है सर का एक नेचर, यहाँ CWE का एक इन्वायरमेंट जो सभी लोग बहुत फ्रेंकली है, जितने भी रेसलर्स हैं सारे फ्रेंडली है, कोई एटीट्यूड कोई भी बहुत ओवर नहीं दिखाना, सब कुछ अच्छा है। आप अगर आते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा आपको सीखने में, अगर आपको रियल में इंटरेस्ट है तो। अब बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं उसके साथ में आपको थोड़ा सा यहाँ पर रेसलिंग सिखाई जाएगी, सेल्फ डिफेंस को भी काम आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ पर एक स्कोप बन जाता है, नॉर्मली बॉडी बिल्डिंग में इतना नहीं है जितना आपको एक डबल आ जाता है, उसके साथ में भी आप कर सकते हैं बॉडी बिल्डिंग के। बिल्कुल, बॉडी बिल्डिंग एक और चीज़ है, बॉडी बिल्डिंग ऐसे उसका फ्यूचर नहीं है। हाँ। क्योंकि मैं खुद बॉडी बिल्डिंग करता था मैं पहले, तो इतनी मेहनत जितनी मेहनत बॉडी बिल्डिंग पे शायद ही कहीं होगी, क्योंकि जो मसल से मसल को निकालना, खाना इतना ज़्यादा खाना, फिर प्रैक्टिस इतना ही करनी, फिर सारी, जैसे बोलते हैं ना कि सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, आप इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, अभी एनर्जी ख़त्म होगी, मेरा साइज घट जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें होती थी। और बॉडी में तो पेन भी रहता है ना, बॉडी में पेन रहता था, लॉन्ग फ्यूचर के लिए भी पेन देगा। तो मैं चाहूँगा कि आप अगर CWE को ज्वाइन करते, रेसलिंग को ज्वाइन करते, इस पर आपका जो एक ब्रॉड फ्यूचर है आप उसको अपना सकते हैं, और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म और सबसे जो बेस्ट चीज़ है कि खुद खली सर आपको पढ़ा रहे हैं, तो उससे बड़ी चीज़ क्या चाहिए। नॉर्मली सर मैंने आपको TV न्यूज़ चैनल में एक बार देखा था बचपन में, जब मैं काफ़ी छोटा था, उसके बाद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया रेसलिंग को लेकर, बट वही था कि स्कोप नहीं था, फिर उसके बाद अपने काम धंधे में लग गए तो वो इंटरेस्ट भी एक दिन ख़त्म हो जाता है। नहीं बिल्कुल है, जब स्कोप नहीं होता तो एब्सोल्युटली मिल रहा है ना, इस पर तो ये ना, अगर आप जुनून है जो WWE को, बहुत इंडियन रेसलर की डिमांड है,
क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी मार्केट है पूरे मतलब वर्ल्ड वाइज अगर देखा जाए जितनी मार्केटिंग यहाँ पर हिंदुस्तान में है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ टीवी देखते हैं, WWE देखते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप आइए और CW को ज्वाइन करिए। कोई मैटर नहीं रखता किसी भी धर्म से आप आते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मतलब कि भी हम इस धर्म से बिलोंग करते हैं, उस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस शहर से बिलोंग करते हैं, कोई भी मैटर नहीं है, कोई भी मैटर नहीं करता। आप आइए, विंदास आइए और CW को ज्वाइन करिए। जो आपको कहीं रिस्पेक्ट नहीं मिलती वो रिस्पेक्ट आपको CW पे मिलेंगी। सो दोस्तों, गॉड ब्लेस यू एंड कीप इट अप। एंड सर लास्ट चीज़, मैं एक चश्मा लेकर आया हूँ तो वो मुझे याद के तौर पे आपका चाहिए कि मैं ज़िंदगी भर उसको संभाल के रखूँ। एक चश्मा देना, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे पहने और मैं इसे फिर लेकर जाऊँ अपने घर, मैं आपकी फ़ोटो के नीचे इसे संभाल के रखूँगा। ये मैंने जस्ट, तो ये एक चश्मा है नॉर्मली, मैं खली सर से चाहूँगा कि इसे पहने और मैं इसे लेके जाऊँगा और संभाल के बहुत ज़्यादा रखूँगा। साइज़ बिल्कुल, साइज़ जब बड़ा ज़बरदस्त है और क्या बात है, क्या बात, फिट हो गया, बिल्कुल फिट आया है। So, मैं इसे, ब्रदर, नाउ यू कीप, नाउ यू कीप दिस वन। सो ये मैं जिंदगी भर सर संभाल के रखने वाला हूँ चश्मा, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच सर, आपने इंटरव्यू दिया और ये जानकारी लोगों तक गई, लोगों की बहुत ज़्यादा मदद होगी। काफ़ी सारे ऐसे छोटे मोटे शहरों में लोग हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, जिनको पता ही नहीं है, तो ये चीज़ शायद लोगों तक मदद करेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली जितनी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता था मैंने दे दी। अब अगर आप जाते हैं, मैंने वेबसाइट दे दी है, लिंक दे दिया, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।